हेलो गाइस वेलकम टू द रोज ब्यूटी कॉर्नर और आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी लेडी डियाना फेस एंड बॉडी सन ब्लॉक वाइटनिंग लोशन ये फेस एंड बॉडी सन ब्लॉक है आप दोनों पे इस्तेमाल कर सकते हैं इस ये क्लेम करते हैं कि ये वाटर रेजिस्टेंट है और इसमें आपको मिलेगी अल्ट्रा सन प्रोटेक्शन विद विटामिन ई नेचुरल फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स इसमें शामिल हैं और ये टू हंड्रेड एम एल की बॉटल है अब पहले तो आप लोग मेक श्योर sure कर लें कि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मिले क्योंकि इसके भी फेक कॉपीज़ बहुत ज़्यादा हैं आगे पीछे मार्केट uh, में अवेलेबल तो आप कोशिश करें कि आप ओरिजिनल प्रोडक्ट खरीदें ताकि आपको रिज़ल्ट जो ये क्लेम करते हैं वो मिल सके अच्छा जी अब सन ब्लॉक लगाना क्यों ज़रूरी है सन ब्लॉक लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सूरज की जो नुकसानदेह नुकसानदुआएँ हैं वो आपकी स्किन को ख़राब कर सकती हैं डैमेज कर सकती हैं आपको ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स का अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम है वो तो वो ट्रिगर हो सकता है ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे उसके अलावा अगर आपकी बॉडी में मेलेन पिगमेंट तो वो तो सारी बात है सबकी में होता है वो भी ज़्यादा तेज़ी से अपना कलर छोड़ना शुरू कर देता है यानी आपके फेस पर डलनेस आना शुरू हो जाती है फिर उसके बाद टैन आना शुरू हो जाता है थोड़े थोड़े आप आ, अपने कम्प्लेक्शन से कम नज़र आना शुरू हो जाते हैं डल नज़र आना शुरू हो जाते हैं तो उससे बचने के लिए गर्मियों में आप ज़रूर इस्तेमाल करें घर के अंदर हैं या घर के बाहर हैं और मेकअप करने से पहले आप इस्तेमाल करें और लाजमी इस्तेमाल करें सन ब्लॉक सर्दियों में भी इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन गर्मियों में इसकी जो ज़रूरत है वो हंड्रेड परसेंट ज़्यादा हो जाती है सो so, एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपका आप जो सन ब्लॉक यूज़ करें वो आपकी स्किन टाइप के साथ मैच करे सूट करे आपको ये ना हो कि आप कोई भी सन ब्लॉक उठा के लगा लें और वो वाइट कास्ट बहुत ज़्यादा सन ब्लॉक छोड़ते हैं जिससे आपको फ़ील आती है कि जैसे भूत टाइप वाइट वाइट सी फील आती है उसके बाद आप अगर बेस अप्लाई भी करते हैं तो वो सही से एब्जॉर्ब नहीं होती तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्लेंजिंग करें अच्छे से उसके बाद हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आप अपनी स्किन पे सन ब्लॉक लगाएं और सन ब्लॉक लगाने के बाद आप उसको पाँच मिनट के लिए रहने दें ताकि आपकी स्किन में सेट हो जाए एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद आप कोई भी फाउंडेशन इस्तेमाल कर लें या आपने जो भी बीबी -बी क्रीम इस्तेमाल करनी है तो वो कर लें और अगर आप नो मेकअप मेकअप लुक के साथ जाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं अच्छा जी अब ये मैंने अपने हाथ पे थोड़ा सा सन ब्लॉक निकाला है आप इसकी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं रनी बिल्कुल नहीं है ये थोड़ा क्रीम फॉर्म में है ठीक है और वाइट कलर है इसका अब मैं इसको ब्लेंड करके आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ब्लेंडेबल है और कितनी वाइट कास्ट छोड़ता है ये देखें इसने तकरीबन कोई कास्ट नहीं छोड़ी एक एक शाइनी फील आपको नजर आ रही है, है, है। है। नहीं करता। ये ये स्किन में अच्छे से से हो गया है। अच्छी से एक दे रहा देखें, इस तरह से ये मैंने अप्लाई किया है। और आप अप्लाई करें इसके बाद आप कोई भी सन से, तो से प्रोटेक्टेड फील करेंगे आपकी स्किन अच्छी रहेगी उसकी वीडियो